वो कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट किए हैं और आगे फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके फिनोवेट में स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आया है जिसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप तो टूटे ही हैं, साथ में कुछ एक ऐसे स्टॉक भी हैं जो कि बुरी तरह से पिस गए हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसे भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अपना टेक्निकली बहुत साउंड काम किए हैं और उनका ब्रेकआउट भी हुआ है लॉन्ग टर्म। दोस्तों, वीडियो अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाते हैं, अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी काम करे पहले अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी इसमें इन्वॉल्व रहती है। दोस्तों, वीडियो अपनी बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, आप इसको लाइक एंड शेयर तो बनता है, और अपने नए हैं अगर चैनल के अंदर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट के अंदर आए हैं। उसके अंदर जो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बहुत वर्षों के बाद में अपने मल्टी ईयर जितने भी ब्रेक हैं सारे को ब्रेकआउट करके ऊपर से निकल गया है। अब लग रहा है ये हाई एंड हायर की तरह बढ़ रहा है। दूसरा स्टॉक है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, वैसे तो ये एक साइक्लिकल स्टॉक है, कमोडिटी स्टॉक है, लेकिन चाइना में जिस ढंग से स्टील के ऊपर प्रतिबंध लग रहा है ये कंपनी ऐसे भी अच्छा कर ही रही है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है एक्सपोर्ट के साथ। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक है OFS Oracle Finance। दोस्तों, ये थोड़ी सी बड़ी स्क्रिप है, हर आदमी के काम की नहीं है क्योंकि 8000 प्लस रुपया दाम चल रहा है, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि अपने आम आदमी भी ले सकते हैं। क्यों कि अगर ज्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते तो 2-5-10 शेयर तो ले ही सकते हैं, और जो लोग HNI है उसके लिए तो ये समझ लीजिए रामबाण शेयर है। एक कंपनी छोटी है लेकिन पटाखा बड़ा बन सकता है, वो है सालासर टेक्नो। ऑलरेडी अपने इसको इंडिविजुअल स्टॉक के रूप में इसको कवर किए हैं, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। सालासर टेक्नो सोलर पैनल के अंदर बहुत तगड़ा काम कर रही है, रेलवे के अंदर भी बहुत तगड़ा काम कर रही है, ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। और एक स्टॉक बहुत ही फैंटास्टिकली काम कर रहा है जिसका की डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है, वो कंपनी का नाम है ONGC। आज बहुत दिनों से बहुत तगड़े लेवल को मेंटेन कर रही है, इतना बाजार टूटा लेकिन उस कंपनी में बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है, इसका मतलब मार्केट में बहुत तगड़ी डिमांड है, फ्यूचर भी बहुत राइट। दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और ये 5 स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो।